बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं, ये मशीन है, यानी कि रास है, जिसे सऊदी अरब में रास कहते हैं और पाकिस्तान में मशीन कहते हैं। इसका फ्रेम काट के इसको लंबा किया जाएगा और इसके ऊपर टंकी रखी जाएगी, पानी वाली टंकी आईडी, ठीक है ना। आईडी से मुराद छोटी टंकी है जिसके पीछे सिंगल व्हील होते हैं, सिंगल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं मोहम्मद अनवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रक एंड ट्रेलर। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये देखें, ये मौलम रिजवान है, काट रहा है इसको, ठीक है। ये काट के इसका आईडी बनाएंगे, इसको लंबी करेंगे, ठीक है। ये पिन्ने वगैरह रिबट वगैरह काट रहे हैं। मालूम पाकिस्तान के घुस ना भी कितना घुस अच्छा गाज गाल रखा भाजा आईवा सौ सौ आदमी रखा उधर घुस, ठीक है। ये देखें, ये हद्दाद है, इस रास को काट के ये इसकी आईडी बनाएंगे, इसके फ्रेम को लंबा करेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, ये पीने रिपते इन्होंने काट दिए हैं। अब ये कमानी वगैरह निकालेंगे, निकाल के चार, ये है मौलम रिजवान, ये देखो काम हो रहा है, कटनी जा रही है, सब चीज़ें काट दी गई हैं। ठीक है, इसको ऐसे लंबा करना है जैसे ये चास पड़ी है। ये देखें, ये पूरा फ्रेम पड़ा है फ्रेम के हम लोगों के पास, चलो मेरे शख्स मजदूर, हाँ आजा चास मजदूम आए वाह मालम रामी अल आजमी फिर मौजूद है ना सौसाना मसरी मालम माई जी कोई मैं मालम माई जी कोई मालम हाजा मालम रामी रामी अल आजमी इजिप्शियन मसरी मसरी हद्दाद मौलम मियाँ मियाँ अरे बाबू इंशाल्लाह हाजा ताज। ये एक्सीडेंट है, ये देखें, ये बेंड हो गई है इधर से, ठीक है, और ये इधर से भी बेंड हो गई है, सही है। इसका इंजन गियर मशीन हम लोगों ने सब निकाल दिया है, इंजन वगैरह, ठीक है। ये लंबी चास है, ये इसको सीधा करेगा, इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सही है। ये देखें, बहुत लंबी चास है, ये आईडी है, मगर ये क्या है कि ये जेन्युइन है, ये फ्रेम जेन्युइन है। ये देखें, ये काट दिया है चासी, यहाँ से काट दिया, यहाँ से अब इसको तो सीधा लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, इसका डिफरेंस भी निकाल लिया है, चास काट दी है, वही गाड़ी, ठीक है। ये देखें, पिने रिपे काट के निकाल दी हैं, सही है। ये देखें, ये जो चास कल काटी थी, इसे फिर दोबारा आगे से काट दिया है, इसका डबला भी इधर से निकाल दिया, इसका डबला इधर से फटा हुआ था, ठीक है। और ये देखें, ये इधर से भी अब निकालेंगे, ये इन्होंने काट दिया इधर से, माफ़ी रखा बना याद आना मालूम हजार इंता फकराने कि दस रखा भी। ये देखें, काट काट के निकाल रहे हैं इसको, सही है। ये देखें, ये इसका डिफरेंस है, ये निकाला है, वे नहीं ना का सर माफी। अरे हाद हाद लादमान कलाम यमनी बदनी यमनी बदी या नहीं जी जबन ज़्यादा हादा यमनी रिजवान हद्दाद। ये देखें जी, इसे वी शेप कटिंग कर दी गई है, ठीक है। सारो ग्राइंडर मार दिया है, सारो मार दिया गया है, ठीक है। ब्लू कलर की गाड़ी, ठीक है। आगे से डबला भी अंदर से देखें सीधा कर दिया है, ठीक है, डबल फ्रेम का। और सामान आ गया है, अभी इसके फ्रेम बनेगा, वो देखें, वो बाहर गाड़ी का सामान आ चुका है। हाँ कोई ये देखें मौलम रामी और ये इसका हेल्पर रिजवान, ये नया माल आ गया है, उस गाड़ी का है, दिल्ली गाड़ी का, वो जो पीछे आपको नज़र आ रही है उसकी कटिंग हो रही है भैया, उसको आईडी बनाना है, वो गाड़ी पीछे आप देख रहे हैं, ठीक है। सामान आ गया है गाड़ी का पूरा, चासी और डबल वगैरह सब कुछ आ गया है, देखें
चल रही है। अब देख सकते हैं देखें ब्लू गाड़ी के चासी को किस तरह लंबा किया जा रहा है। ये इसके बाहर वाले फ्रेम और ये डबला होगा। ये देखें कट दे दिया है, अब इसको आपस में जोड़ दें। ये आप देख सकते हैं ये गाड़ी जिसका काम आपको दिखाया जा रहा था, इसके पीस दोनों वेल्डिंग करके तैयार हैं। ये देखिए ये पड़े नीचे। ठीक है, अभी इसको ये काट के इधर जॉइंट कर देंगे। और ये देखें बीच में ये काम एक अर्जेंट आ गया था, ये वाला इसको जॉइंट किया है। ये देखें इधर से ये जॉइंट इसको लगाया है सही है। ये जॉइंट लगा के ये इसका पुराना ही था, ये फ्रेम चौड़ाई ज़्यादा थी, ये नीचे से ये काट के। ठीक है, इसके कटे हुए पीस भी यहीं कहीं होंगे, देखते हैं कहाँ रखें। ये काम अर्जेंटली आ गया था एक बीच में, इसलिए वो गाड़ी स्टॉप कर दी गई है। ठीक है ना, जैसे तैयार होगी। ये एक पूरा व्यू वर्ष का, ये देखें ये गाड़ियों के डिफरेंस वगैरह रखे हुए हैं, ऑक्सीजन वगैरह स्क्रैप वगैरह सब। ठीक है, पूरा व्यू ये देखें, ये उसी का है ब्लू गाड़ी के भी। ये दो पीस ये पड़े हैं बाहर वाले और दो पीस वो पड़े हैं, यानी डबल करने हैं फ्रेम, डबल करना है। पहले भी उसका डबल है पुराना, ठीक है, अब देख सकते हैं वो भी डबल है, ये भी डबल है। ठीक है, ये देखें इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा ही थी, मगर इसे काट के इधर क्लंप लगा के इसको इस तरह कर दिया गया। और ये इसका डिफरेंस बड़ा है, ये डिफरेंस पता नहीं उन्होंने कहाँ से निकाला है, मेरा ख्याल है ये उस गाड़ी का था निकाला है। अब दोबारा उसमें जॉइंट करेंगे या लगाएं क्या करेंगे। ये एक फ्रेम है जो बेंड हो गया है, एक्सीडेंट थी गाड़ी, इंजन वगैरह हम अपन निकाल दिया है। ये केबन और ये सब आज पेंट किए हैं पेंटर ने, कल पेंट किए थे, आज इसको संफरा मारा है। ठीक है ना, आज इसको पेपर वगैरह मार दिया है। ये एक्ट्रेस है, ये आज ऑरेंज हो गई है। ये वही 6x6 जिसका इंजन हम लोगों ने बनाया था। और ये भी एक एक्सीडेंटेड गाड़ी है, इसका कैबिन सारा डेंटिंग किया गया है। और ये देखें ये भी एक एक्सीडेंटल था, वो साइड इसकी काट के दूसरी लगाई गई है। अभी पेंटर अपना काम करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसे उठा के इस गाड़ी पर रखेंगे। इसका इंजन और गियर भी हम लोगों ने निकाल दिया था, जो अभी दोबारा ऊपर रखा है। ठीक है, इसका इंजन ख़राब था, सीज था, तो हम लोगों ने वो इंजन निकाल के बाहर कर दिया और नया इंजन रखा है। ये आज काम चल रहा है गाड़ी का। ये देखें ये हेड वगैरह पड़े हैं, ये वो उस वाइट वाली गाड़ी के हैं इसके। ये देखें इसके पिस्टन हम लोगों ने आज इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है, अभी हेड लगाने बाकी हैं। ये इस गाड़ी के
और ये इधर देखें, इधर भी दो तीन इंजन खुले पड़े हैं। और जो एक इंजन जिसकी वीडियो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसने क्रैंक तोड़ दी थी, उसमें नई क्रैंक हम लोगों ने डाल दी है और फाउंड्री से ये बन के आ गया है। तो इंशाल्लाह इसकी इसको अभी पूरी वीडियो इसकी डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ये थी मुकम्मल डिटेल चार पाँच दिन की। एक ये गाड़ी भी उधर खड़ी थी ऑरेंज कलर की, इसे भी आज उधर से निकाला है, जिस जगह पे वो 6x6 लगाई है ना उस जगह से इसे निकाला है, वहाँ थी। इसका भी ये कैबिन पूरा पेंट हुआ है, ठीक है, ऑरेंज कलर का। और अब इसमें ये बाकी काम जारी है, ये देखे टैंकी वगैरह, डीजल टैंकी वगैरह लगेगी, और कुछ छोटा मोटा हवा का काम था। सही है, ये 8x8 है, वैसे ही खड़ी है। इसका ये फ्रंट का डिफरेंस नहीं है, वो ये आज एक इधर पड़ा था, इसी का था, मगर कबाड़ में पड़ा था, आज निकाल के बाहर किया है। इसका कोरोना वगैरह देखा है, चेक किया है, कड़ा पिनियन वगैरह सही, अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ मिला है, और एक एक्सल भी नहीं है, और काम भी होने वाला है खरा दिएगा, बुशे वगैरह लगेंगी, पिने वगैरह लगेंगी, तो यहाँ निकाल के इसे फेंका है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में इसे भी तैयार करेंगे, ठीक है ना। डेंटिंग का काम तकरीबन इसमें हो गया है, पेंटर का काम थोड़ा बहुत बाकी है, और मैकेनिक का बहुत ज़्यादा काम है इसमें, ठीक है। ये डेंटर के लिए ये कोना अंदर था घुसा हुआ, वो डेंटर ने निकाल दिया है। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।